बच्चों चलो हम शुरू करते हैं हमारा मराठी सबक फड़ांचा राजा का हिस्सा नंबर 2, जिसमें दी हुई है एक नज़म जो कि फलों के बारे में है कि कौन सा फल कहाँ से आता है। तो पहले हम नज़म पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाशिक च द्राक्ष गोडच गोड, नागपुर च संतराची छानदार फोड, वसई च केड्यांचा मोठा मान, केड्यांचा शिकरण लागत छान, पनवेल चे कलिंगड लालच लाल, खाऊन पहाल तर खुशच व्हाल, अहमदाबाद ची बोर हिरवी गार, खाऊशी वाटतात फार फार, पुरेत गप्प तुम्ही थांबा, फळांचा राजा मी आहे, यानी सर्व फळांचा राजा, सभी फलों का राजा कौन है? आम यानी अंबा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे गर्मी के मौसम में आने वाले फल दिए हुए हैं, जिसमें आम है, लीची है, जामुन है, कलिंगड़ यानी तरबूज है, खरबूज है और अंगूर है। उसके बाद ये ऐसे फल हैं जो सर्दियों में आते हैं, यानी ब्लैकबेरी, सफरचंद, स्ट्रॉबेरी, अंजीर, अनानास, पपई, दाड़िम यानी अनार और पेरू यानी जाम। ये ऐसे फल है जो बारिश में भी आते हैं, जिसमें लीची, दाड़िम यानी अनार, खरबूज, नाशपति, सीताफल और चेरी वगैरह वगैरह। इस तरह इन फलों को हर एक मौसम में खा सकते हैं। अब देखिए ये आम से बनने वाले कुछ चीज़ें हैं, जिसमें आइसक्रीम है, जिसमें कस्टर्ड है, जिसमें आम की पपड़ी है, कुल्फ़ी है, बर्फ़ी है, आम का जूस है। इस तरह से आम से बहुत सारी चीज़ें बनती है ना, अचार है, आइसक्रीम है, बर्फ़ी है, जूस हम बहुत पीते हैं, आम का रस हम बहुत खाते हैं। इस तरीके से